जब हम फोन किए तो वो शूटिंग के लिए निकल ही रहे थे, तो उन्होंने कहा नटराज स्टूडियो आ जाओ, रुपया दे देंगे। दोस्त जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्टूडियो चलना है। स्टूडियो? स्टूडियो नहीं, स्टूडियो स्टूडियो फिल्म स्टूडियो, वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। सर ये गंगा है, हमारे गंगापुर का बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। नमस्ते सर, हम गंगापुर में नौटंकी में काम करते थे, वहाँ की नौटंकी के बादशाह रहे हम। आप हमको फिल्म में काम दीजिए, हम आपका तबीयत खुश कर देंगे। एक्शन! आज तुम इतने बड़े, सॉरी कट कट कट, भगाओ इसे और दूसरा आर्टिस्ट बुलाओ। सर इतनी जल्दी दूसरा आर्टिस्ट कहां से मिलेगा? एक्शन! मैं जा रहा हूं, अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। कट इट, एक्सलेंट शॉट, वेरी गुड गंगाराम, तुमने तो कमाल की एक्टिंग की है। चलो भाई गंगाराम, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब आज शाम 7 बजे से तुम आना शुरू कर दो। जी। अच्छा जिस फिल्म में तुमने काम किया है वो कब रिलीज होगी? वो तो मालूम नहीं कब रिलीज होगी, हम मोहन बाबू से पूछ के बताएंगे। आप देखेंगे ना हमारा फिल्म? जरूर देखूंगी, वो मेरी दूसरी खुशी होगी जो तुमसे मिलेगी। सच? ये भाई अपने गांव का है, गांव से हीरा चुन के भेजे हैं, देखो कैसा चमक रहा। अरे हमका तो पूरा विश्वास था कि गंगाराम कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगा। अच्छा एक बात और है, पूरे पोस्टर पर केहू का नहीं, बस अपने गंगा भैया का फोटो छपा है। इतना बड़ा काम किया है भैया, वाह! इतना बड़ा बड़ा गंगाराम लिखा है जैसे अमिताभ बच्चन का नाम लिखा हो। अरे इसमें तो फिल्म का नाम ही नहीं लिखा है। अरे कोई भी पैसा खर्च करके अपना फोटो तो छपा ही सकता है। ऐसा ही है तो तुम अपना पोस्टर का नहीं छपवा लेते? अरे कहाँ परेशानी है, वो फिल्म का नाम ही गंगाराम है। अच्छा वो फिल्म तुम्हारे ही नाम पे है? अब नहीं तो क्या, अब तो हम पढ़ लिख भी सकते हैं। दोस्त कहाँ खो गए थे भाई? अरे यार वो हीरो बन के गांव चला गया था मैं। दिन में सपने देखने लगे? नहीं नहीं, वो क्या हुआ कि साधना जी नहा रही थी, मुझे बस झपकी आ गई। तुम कब आए? मैं अभी आया और अभी जा रहा हूँ। क्यों? अरे दोस्त चारों तरफ तुम्हारी बहुत चर्चा हो रही है, एक और प्रोड्यूसर ने बुलाया है, तुम तैयार रहो यही कहने आया था। अरे मैं तैयार बैठा हूँ, चलूं? ठीक है बैठो, मैं अभी आता हूँ। हैं जय बजरंगबली। सूरज सूरज। गंगाराम ये तो कमाल हो गया है, ये देखिए आपकी खबर छपी है। आपकी शूटिंग की खबर छपी है और इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपने शूटिंग से सभी को प्रभावित कर दिया है, ये देखिए। गंगाराम दीदी ये तो आपके आशीर्वाद का फल है। नहीं ये आपकी मेहनत और काबिलियत का फल है और आपके ऊपर मेरे विश्वास का फल है। ईश्वर करे इस शुरुआत का सिलसिला कभी खत्म ना हो। चलो मिठाई खिलाओ, आज खुशी का मौका है। वो तो हम जरूर ही खिलाएंगे। अरे 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 सुनो तो, अरे मुन्ना प्यारे तुम लोग कब आए? अभी कुछ देर हुआ। बधाई हो दोस्त, बधाई।
अपुन को चांस 10 साल में नहीं मिला और तुम 10 दिन में हासिल किया। मैं तुम्हारा सचमुच फैन हो गया। अरे दोस्त, अखबार में फोटो देखकर अम्मा बहुत खुश है, जाके मिल लेना। और राम मिलन भैया? वो भी खुश है मगर दिखाते नहीं। क्यों नहीं खुश होंगे, है ही खुशी की खबर। और हम तो ये चाहते हैं कि गंगाराम हर इम्तिहान में पास हो, है ना गंगाराम? अरे जरूर पास होंगे, अब जितने बार पास होंगे उतने बार हम मिठाई खिलाएंगे। ये लो खाओ, खाओ। ए जमना, यहाँ ले मिठाई खा और सबके लिए चाय बना जा। गंगाराम, गांव में कटिंग्स किस किस को भेजनी है? माई को भेजनी है और गुरुजी को भेजनी है। काहे कि गुरुजी के हाथ जैसे ही कटिंग पड़ जाएगी वो पूरे गांव को पढ़ पढ़ के सुनाते फिरेंगे। सुनो गंगाराम, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक तरफ कदम बढ़ गए आपके और ईश्वर चाहेगा तो रफ्तार भी बढ़ जाएगी। लेकिन अपनी पढ़ाई में आपको उस रफ्तार से भी ज्यादा आगे बढ़ना है ताकि अपनी मनचाही मंजिल मिल सके। सुना दोस्त, दीदी ठीक कहती है। अरे वो तो हमेशा ही ठीक कहती रहती है, तभी ना हमारा जो भी काम होता है ठीक हो जाता है। तो ठीक है, आप मुर्गा बनने से बच गए। हाँ सुनो, मेरे स्कूल से लौटने तक अपनी सबक पूरी कर लेना। प्यारे तुम जरा देख लेना। हाँ, मैं चलती हूँ। ऐसा है कि हम लोगों को भी चलना चाहिए, वो फुलवाजी को मिठाई खिलाना है, उससे पहले तुम्हारे घर चलेंगे। ये ठीक रहेगा, अम्मा बहुत खुश होगी। चलो दो चाटा वो काट लो। ये काटते हैं, इसके साथ फोटो भी लगा लेना। अरे गंगा भैया, देखा माँ किसको लाए हैं। नमस्ते भाजी, कैसी हैं? हाँ बस ठीक है। आओ आओ, हमको पता था आज अब जरूर आओगे हमसे मिलने। हाँ, और प्यार के बाबूजी बता रहे थे तुम्हें काम मिल गया है और तुम्हारी फोटो अखबार में छप गई है। सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है भाजी। और रामिलन भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? नहीं बस अब बाहर गए हैं, अभी अभी गए हैं। अच्छा, वो तुम्हारी फोटो और नाम अखबार में देखकर बड़े खुश हो गए थे। रुको मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ दुर्गा माई के प्रसाद से। बैठो बैठो बैठो, लो। अरे भाजी पहले आप मुंह मीठा करो, ये लो। हाँ, उसे रख दो, पहले प्रसाद खा लो। जब हमको पता चला कि तुम्हारी फोटो अखबार में छप गई है तब हम तुरंत गए दुर्गा माई के मंदिर में और प्रसाद चढ़ाए। अरे अम्मा, हमारा मुंह भी तो मीठा कराओ, आखिर दोस्त की तरक्की में हमारा भी तो हाथ है, क्यों दोस्त? हाँ जी, पहले तुम्हारा ही हक बनता है, ये लो मुंह मीठा करो। अरे भौजी, मुंह मीठा करवाने तो हम आए थे और करवा रही है आप। तो क्या हुआ, हम और तुम कौन अलग है का? जब तुम्हारी फिल्म निकलेगी ना तो हम सारे मोहल्ले का मुंह मीठा कराएंगे। बस भाजी, आप लोग तो इसी तरह दुआ करते रहिए कि हमको काम पे काम मिलता रहे। अरे क्यों नहीं मिलेगा? अरे हम तो उसी दिन से दुर्गा माई को मना रहे हैं जिस दिन तुम पहली बार हमारे घर आए थे। हर किसी को उसका मन चाहा काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सफल हो जाती है भैया। ठीक कहती हो भाजी। देखना, एक दिन तुम गंगापुर का नाम जरूर रोशन करोगे। अरे आवा आवा गंगाराम जी, एक मिनट तनिक थम, बैठा। अरे बैठा बैठा, ये देखो। अरे गंगाराम, तुम तो छा गए। फुलवा काका, अखबार पढ़ लिया ना? हाँ, पढ़ लिया। हाँ, तो लीजिए मिठाई भी खाइए। अरे भैया, झुक झुक जियो, झुक झुक जियो। अरे भगवान, देख तो कौन आवा है, आके मिठाई ले जा। फुलवा काका, ये भी कहिए बहुत बड़े एक्टर बनोगे। फुलवा काका, हमको भी लगता है कि अब हम फिल्म का एक्टर बन ही जाएंगे। अरे बनी का जाओगे, बनी गए भैया। मोहन बाबू को तुम्हारा काम बहुत पसंद है, हमरे सामने कह रहे थे अखबार वालन से कि इसको बढ़िया पब्लिसिटी देना, हमारी अगली फिल्म में भी यही रहेगा। फुलवा काका, अगली फिल्म में मेरा भी चांस भिड़ा दो ना। अबे तू इसके पीछे पड़ा रहे, यही तेरा चांस भिड़ाएगा। अरे कहाँ गई, ले प्लेट में डाल के ले आ, और चाय भी लेके आना। मैंने एक और प्रोड्यूसर से तुम्हारी बात की है, आज ही बुलाया है। मैं भी चलूं? तो चलिए ना। चले, देखा जाएगा। लेकिन वो चाय मिठाई खा ले पहले, फिर ठीक है फिर ठीक है। और ले आ, ले आ, जल्दी ले आ। इसके बारे में कुछ और देर बात करेंगे, किसी दिन फुर्सत में बैठते हैं हम लोग, ठीक है ना? कोई बात नहीं, जैसे आप ठीक समझे। आप भी सोच लीजिए। हेलो, अच्छा हाँ आ गए, हाँ अंदर भेज दीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे बैठो यार, कहाँ जाते हो? दरअसल बात यह है कि नया लड़का आया हुआ है, सुनते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और वो मोहन जी है ना, उनकी फिल्म भी कर रहा है। अच्छा, और तुम जरा रुको और देखो कैसा लड़का है,
फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, बुलाओ। हाँ वो आ रहा है। नमस्ते। आइए आइए बैठिए। किस तरह की एक्टिंग करते हैं आप? सब तरह की। फिर भी आपकी अपनी कोई पसंद होगी? कलाकार तो पानी की तरह होता है जी, जिस तरह के बर्तन में डालो वैसे ही बन जाता है। और पसंद तो बर्तन में डालने वाले की होती है, पानी की थोड़ी होती है। अच्छा एग्जांपल दिया है। इनसे मिलिए, शेखर साहब हैं, म्यूजिक एल्बम की फिल्में बनाते हैं ये। नमस्ते। हाय। अच्छा बताइए, आपने कभी स्टेज किया है? हाँ बहुत किया है। क्या किया है? गाँव में हम नौटंकी करते थे, गाँव में नौटंकी के बादशाह थे हम। लेकिन भाई मेरे, नौटंकी और फिल्म में बहुत अंतर होता है। फर्क नए पुराने का है जी, नौटंकी पुराने जमाने की फिल्म है और फिल्म नए जमाने की नौटंकी। मतलब नौटंकी की तरह तुम फिल्म में भी एक्टिंग करते हो? अरे नहीं, ऐसा काहे करेंगे। नौटंकी की स्टाइल का अलग करते हैं और जिंदगी का अलग, हम हर तरह की एक्टिंग करते हैं। अच्छा, अपने आप पे बहुत भरोसा है। अब काहे नहीं, आप मौका देंगे तो देखिए, हम साबित करके दिखा देंगे। अभी कुछ करके दिखा सकते हो तुम? आप क्या देखना चाहेंगे, हम तो नौटंकी का खजाना भरे रखे हैं। तो कुछ एक्टिंग करके दिखाओ। अभी लीजिए। यारों वतन से हम गए, हमसे वतन गया, और नक्शा हमारे वास्ते जंगल का बन गया, और ना शहर में चैन ना जंगल में अमां मिलती है, देखिए कब्र मुसाफिर को कहां मिलती है। ए मसरू, तुझे तेरी निखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है, लीला ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है, तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा, एक हमजदा पुराज का पैगाम लेती जा, ले धज्जी तो लेती जा, मेरे चाके गिरेवा की हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तां की, अदब से सर झुका कर चूमना लेन जाना की, और मुसीबत कह सुनाना सब मरे दर्दे ब्यावा की, वफूर खम से चश्मे नम से चश्मे हो गए जारी, और गुले उम्मीद थे जितने वो कांटे बन गए प्यारी। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अरे आप अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे सिंगर भी हो। क्या आवाज, क्या आवाज पाई है, वाह वाह, बहुत बहुत। खैर मुझे तो एक्टर ही चाहिए। क्यों शेखर, क्या ख्याल है तुम्हारा? बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो एक अच्छा सिंगर मिल गया। भाई तुम एक्टिंग करवा लो, मैं दो गाना गवाऊंगा। एक फोक का एक बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है एल्बम का। अरे भाई आप बैठिए, खड़े क्यों है? ये रहा मेरा कार्ड, आप फोन करके आ जाना। कहां पर? मेरे ऑफिस में नंबर लिखा है। गुड लक। अरे वाह गंगाराम, तुम तो बहुत बढ़िया गाते भी हो। छागे दोस्त, छागे। क्या बोला प्रोड्यूसर? बोला का, हमसे कहा कि एक्टिंग करके दिखा, तो हम उनका नौटंकी का लैला मजनू वाला पार्ट करके दिखाए दिए। तुम्हार गदगद आए गए। तो उनके साथ उनका कोई दोस्त बैठा हुआ था, उन्होंने हमको एक कार्ड दिया, कहा हमसे ऑफिस में आकर मिलो। अब देखो तो क्या लिखा है इसमें, जरा देखो तो। इस तरह हमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, निकाह है कि सारे लोग अपना पता अंग्रेजी में ही लिखते हैं, पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है शेखर स्वरूप, डायरेक्टर, सिंगे सॉन्ग म्यूजिक कंपनी। दोस्त इसने मिलने को बोला? क्या ये भी फिल्म बना रहे हैं? अरे नहीं, वो हमसे गाना गवाने को कह रहा था। क्या? अरे वाह गंगाराम, तुम्हारा तो सितारा ही चमक गया, डबल काम, डबल नाम और डबल दाम। खाओ खाओ, खुशी का मौका है, खाओ खाओ। नमस्ते गंगाराम जी। नमस्ते मुन्ना भाई, कैसे आना हुआ? क्या हुआ, घर में कोई नजर नहीं आ रहा है? साधन जी स्कूल गई हैं और जमुना बाजार गई, उनसे कोई काम था क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो वैसे ही पूछा था, मिलने तो अपन तुमसे आया है। क्यों, मुझसे कोई गलती होगी क्या? अरे नहीं भाई, गलती तो मेरे से हुई है, जो मैं तुमको छोटा समझकर उल्टा पुल्टा बोलता था। अरे यार, हमने तो उस बात का कभी कोई बुरा ही नहीं माना। चलो अंदर बैठो। कल तुम्हारी बात का हम पर बहुत असर हुआ, दिन रात मैं सोचता रहा अपने बारे में, तो मेरे को मेरे अंदर बहुत कमियां नजर आई, और ऊपर से झूठा घमंड। तुमने मेरी आंखें खोल दी गंगाराम, इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुन्ना भाई, आपके मुंह से आपकी सच्चाई सुनकर बड़ा अच्छा लगा।
जब इंसान दूसरे के दिल में झांकना छोड़कर अपने दिल में झांकना शुरू कर देता है तो सच्चा इंसान बन जाता है। अब हमने भी ठान लिया है कि हम भी पढ़ना लिखना शुरू करें, शायद पढ़ लिख कर मुझे भी रास्ता मिल जाए, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। गंगाराम मेरी मदद करोगे ना? अरे क्यों नहीं, खुशी से। साधना जी कहती है जब जागो तभी सवेरा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन गंगा भैया मुझे एक संकोच हो रहा है। कैसा संकोच? अब इस उम्र में पढ़ने लिखने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे शर्म वरम की छोड़िए, पढ़ाई लिखाई कोई उम्र होती है, हैं? और लोगों की छोड़िए, अपनी सोचिए, मुझे देखो, मेरी कोई उम्र पढ़ने लिखने की? मुझे तो नहीं आती शर्म वरम। ठीक है, अब अपन को क्या करना चाहिए? करना क्या है, कल मेरे साथ स्कूल चलो, मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा आनंद भाव से कह के, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मिठाई खिलानी पड़ेगी। जरूर खिलाऊंगा, और ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। साधन जी, साधन जी, ये किसका फोटो है? जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये फोटो किसी ऐसे वैसे का तो हो नहीं सकता। गंगा जी प्लीज फोटो दे दीजिए। मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहती? कुछ बातें अपने तक रहे तो ही ठीक है। क्या आप मुझे गैर समझती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आपको सुनकर परेशानी होगी इसीलिए। अगर नहीं बताएंगे तो मुझे ज्यादा दुख होगा। आप बहुत जिद्दी हैं। ठीक है, अगर इस जिद से आपका दुख दूर हो सकता है तो मुझे ये गुनाह मंजूर है। जो खत्म हो गया उसे बांटा नहीं जाता। देखिए आप बात बदल रही हैं। जिस बात से कुछ हासिल ना हो उसे टालना ही अच्छा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये लीजिए। आप बुरा मान गए? इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है तो सुनिए, ये फोटो समीर का है और ये नाम मेरी जिंदगी में आंधी की तरह आया और सारी भावनाओं को अपने साथ बहा ले गया और दे गया तो गहरा सन्नाटा और सुनापन। आप उन्हें बहुत चाहती थी? हाँ, हम दोनों की शादी होने वाली थी। फिर क्या हुआ? शादी के 10 दिन पहले कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए और रह गई तो सिर्फ यादें। यादें तो यादें होती हैं, अच्छी हुई या बुरी, जब भी आती हैं रुला जाती हैं। मुझे माफ करिए, मेरी जिद ने आपको दुख पहुंचाया। नहीं, आपकी जिद ने मेरा मन हल्का कर दिया। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? इजाजत की जरूरत नहीं, कह डालिए। आप शादी कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सुनापन खुशियों में बदल जाएगा। प्यार एक ही बार होता है गंगा, बार बार नहीं। अगर ये सच है तो मौसम बार बार नहीं आता, पेड़ों पर हर बार फूल नहीं खिलते। आप कोशिश तो करिए, मेरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो सोचना शुरू कर दीजिए ना, और जब सोच ले तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। लीजिए। अरे ये देखो, गंगवा का फोटो छपा है बंबई के अखबार में। अरे कौनो खबर भी छपा है गुरुजी। ये लो तुम खबर तो पढ़ो, हम चिट्ठी पढ़ते हैं। अरे वाह भैया वाह, अपने गंगापुर का हीरा मुंबई का हीरो बन गया है। देखो तो भैया कैसे चमक रहा है, खबर में भी जगमगा रहा है। अच्छा, फिल्म फूल के प्यार में वो एक्टिंग कर रहा है। गुरुजी एक नया सितारा पैदा हो गया है। गंगाराम हमारा नाम रोशन कर दिया। ए बिचकुंडवा, दुकान में जितना मिठाई है सबको बांट दे। और हाँ, अर्जुन और रघु को सबसे पहले देना। हाँ, दो लाइन के खत पर इतना गुमान। अरे भैया दो इनका फोटो भी छपा है, जरे अपना काला चश्मा उतारो और तब देखो। तुम ही लोग देखो, चल रघु चल। अर्जुन मिठाई तो खा जा, हमें ना फोटो देखना है ना मिठाई खानी है। चल रघु चल। मिठाइयां तो खाने दीजिए। क्या आई जा, ये देखो फोटो छपा है गंगा भैया का। अरे बहुत खुशी की खबर है, वो राजी खुशी रहे, तरक्की करे, और हमका का चाहिए। फोटो में कितना अलग दिख रहे हैं ना माई। अरे कपड़े भी तो दूसरे पहने हैं, अलग तो लगेगा ही ना। अब मुझे ये बता, तुझको भी कुछ लिखा है कि नहीं? लिखा है। अच्छा
तू कब पढ़ेगी? जा इत्मीनान से बैठकर पढ़। अच्छा। अरे ये भी ले जाना, अपने पास ही रखना। अच्छा मैं। अरे सुन। हाँ? चिट्ठी का जवाब जल्दी लिख देना। अच्छा मैं। अखबार का फोटो माई को दिखाकर अपने पास रख लेना। वही की हूँ। लिखना फोटो कैसा लगा? नहीं लिखूंगी। नाराज हो गए? लिखूंगी बाबा, लिखूंगी। तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत याद आती है तो चिट्ठी भेजने में देर काहे की? सच्ची याद आती है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। ए, अपना ध्यान काम में रखना, समझे? कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हो दोस्त? यार हम सोच रहे हैं हमारे काम की खबर और अखबार में हमारा फोटो देख के गुरुजी और माई एकदम खुश हो जाएंगे। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम पढ़ लिख सकते हो तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आज हमको हमारे माई का और गांव का बहुत याद आ रहा है भाई। हाँ, जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है उसका नाम तो ले ही नहीं रहे हो। किसकी? कुंती है ना, बात सच? दत्त। ए, नाम से ही चेहरा लाल लाल हो गया, अब मिलने पर क्या होगा? यार तुम एकदम बेशरम आदमी हो। ए, बनो मत। हम सोच रहे हैं इस बार उसको एक चिट्ठी अपने हाथ से लिखकर भेजे, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, उसका बहुत इच्छा था कि वो हमारे हाथ का लिखा हुआ चिट्ठी पढ़े। ये भी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ दोस्त, काम मिलने से पहले और अब की हालात में तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फर्क है दोस्त। काम और कामयाबी इंसान के सोचने का नजरिया बदल देते हैं। जो लोग पहले मुझसे कतराते थे वो अब हमारे पास आने लगे, हमसे जुड़ने लगे हैं, हमको पढ़ाई का एहसास होने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है दोस्त, और इस काया पलट में तुम्हारा बहुत हाथ है। अब दोस्ती क्या होती है ये हमने तुमसे जाना है, मिलाओ हाथ। खा से कबूतर, खा से खरगोश, और गा से गधा। गा से गधा नहीं गंगा जी, गा से गधा बोलो। गा से गधा। गधा नहीं, गधा, गधा। लेकिन हमारे वहाँ तो गधा बोलते हैं। आपके यहाँ बोलते होंगे, लेकिन सही शब्द गधा होता है। फिर से पढ़ो। गधा, गा से गधा, का से कबूतर, और का से कुंती। क्या बोले? का से? का से कुछ नहीं। का से कुछ नहीं, का से कुछ और बोले थे। का से कबूतर? नहीं नहीं गंगा जी, कबूतर से पहले कुछ बोले थे। तो का से कुंती भी तो हो सकता है ना साधना जी? बिल्कुल हो सकता है, पर ये कुंती कौन है? गांव में है, हमारे साथ नौटंकी में काम करती थी, माई का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत मानती थी। और आपको? हमको भी मानती थी, लेकिन नौटंकी में सुल्ताना डाकू में फूलकोर का काम करती थी। आपको कुंती की याद आती है? हमको तो माई की भी बहुत याद आती है। कहिए। गंगाराम है, कहिए राममिलन आए हैं। आइए आइए राममिलन भैया जी। नमस्ते साधना जी, ये प्यारे के बाबू जी। नमस्ते। आगे आ जाइए, दरवाजा बंद कर जी, बंद कर दो दरवाजा। और तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, हम सोचे कि गंगा हमसे नाराज है तो चलो हम ही जाके मिल लेते हैं। अरे एकदम नहीं, वो तो गुस्से में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और आपका तबीयत खराब हो जाता, इसलिए हम चले आए। आइए बैठिए, चलिए। जमुना जरा चाय बना कर लाना। आइए। राम मिलन जी, गंगा राम तो गांव जाने का मन बना चुके थे, लेकिन हमने इन्हें रोक लिया। आपने हमारी इज्जत बचा ली। ये बताइए, अब तो कोनो शिकायत नहीं है ना? देखा साधना, ये हमका शर्मिंदा कर रहा है। गंगाराम, अरे गुस्से में जो कुछ हो गया सो हो गया, उसके बाद हमको भी बहुत पछतावा हुआ। देखिए राममिलन भैया, अच्छा बैठिए, तो दो मिनट आप भी बैठिए साधना जी, बैठिए। तो देखिए शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं, एक बात बताइए, आपका हुक्म मानना हमारा फर्ज था कि नहीं? यही खातिर गंगाराम एक ठोकुम देने आए हैं। अरे दीजिए ना, खुशी से दीजिए। तो वापस घर चलो, तुम्हारी भौजी भी यही चाहती है। राम मिलन जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटे। ये घर राम प्यारी की दीदी का है ना? हाँ सो तो है। तो आप हमें अपना क्यों नहीं समझते? गंगाराम यहाँ रहकर भी तो आपके पास रह सकते हैं। लेकिन साधना जी, आप गंगाराम की तरक्की चाहते हैं कि नहीं? हाँ हम जरूर चाहते हैं। तो गंगाराम को यही रहने दीजिए, खासकर इसलिए कि ये जगह इनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक रहेगी। साधना जी एकदम ठीक कह रही है राम मिलन भैया, यहाँ आकर हमारा पढ़ाई शुरू हो गया है,
फिल्म में काम मिलना शुरू हो गया, अखबार में फोटो भी छप गया, गंगाराम को तो जिंदगी बदल गया है। भाई अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि गंगाराम को खूब तरक्की मिले। ये लीजिए चाय पीजिए। ये लो गंगाराम। साधना जी, राम मिलन भैया कितने बदल गए। राम मिलन भैया नहीं बदले गंगाराम, आपका वक्त बदल गया। गंगाराम जी हाँ? रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाइए। कल आपको म्यूजिक कंपनी जाना है ना? हाँ, सवेरे 10 बजे। मालूम नहीं कहा होगा, हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन आपसे मुझे एक शिकायत है। अरे शिकायत? कहाँ शिकायत है, हम कौन गलती किए हैं? बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने कभी ये नहीं बताया कि आप एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं। बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिसर आपकी आवाज का इस कदर दीवाना हो गया कि आपसे मिलना चाहता है, और मैं हूँ कि अभी तक गाना भी नहीं सुनी। हम तो अपना नौटंकी का पार्ट सुनाए थे, गाना थोड़ी सुनाए थे। गंगाराम जी, आपको एक पारखी मिल गया है जो आपकी इस खूबी को भी परख लिया है। ईश्वर करे कि आपकी ये प्रतिभा भी लोगों के सामने आए। सब सरस्वती माता की कृपा है। अच्छा एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि पढ़ना लिखना शुरू करने के बाद आप में एक नई हिम्मत पैदा हो गई है और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? साधना जी, हमको लगता है कि हमारे संग एक ठो मसाल है, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे इसका रोशनी बढ़ते जाएगा, और यही रोशनी हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। शाबाश, अब जाइए और सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, है एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम।